ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 78 को जो कि डेसिमल वैल्यू है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। ये हमारे चार ऑप्शन दे रखे थे और इस बार मैं आपको ऑप्शन से ना करा के डायरेक्ट इसका आंसर निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि आंसर निकालना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम में। क्या कीजिए, राइट हैंड साइड पे 1 लिखिए, फिर उसका डबल डबल और लगभग वहां तक लिखिए कि आपको खुद ब खुद फील हो जाए कि हाँ ये 78 के आसपास हमारी संख्या पहुंच चुकी है। हालांकि मैं 64 का दुगना भी यहाँ लिख सकता था, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि हमें आंसर जहाँ तक चाहिए होता है उसके आसपास तक हमें वैल्यू लिखनी है बस एक बार। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने बाइनरी में वैल्यूज लिखी हैं कि इसमें से मैं सिर्फ किस किस को प्लस करूं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें से मैं किस किस को प्लस करूं कि हमारा आंसर 78 आ जाए। क्या आप बता सकते हैं? कुछ भी कर लीजिएगा, 64 हो गया, कोई सी भी संख्या ले सकते हैं आप। हमें यहाँ पे सिर्फ 78 लाना है। जैसे हम देखते हैं 64 और 4 ये 68 होता है, और 68 8 और तो 10 हो जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए मैंने किस चीज़ को यूज़ करा है, 64 जमा 8 हमारा हो गया 72 और 4 हमारा हो गया 76 हमारा 72 हमारा हो गया 78। अब आपको क्या करना है एग्ज़ाम में कि मैंने जिस जिस वैल्यू को, ध्यान सुनिएगा, जिस जिस वैल्यू को मैंने यूज़ करा है आप सिर्फ उसके ऊपर 1 लिख दीजिए, 1 1 1 1। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं जिसका मैंने यूज़ नहीं करा है आप उनके ऊपर 0 लिख दीजिए, दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो गया, और मैं देखूंगा कि ऑप्शन में मेरे ख्याल से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो हमारा इसको फुलफिल कर रहा था, इस कंडीशन को। तो इसमें हो जाएगा नॉट, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैंने एज्यूमिंग क्वेश्चन दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 81 दिया हुआ है, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और साथ के साथ हमें दे दिया कि 0 को डॉलर, 2 को हैश, 1 को एट द रेट और 3 को क्वेश्चन मार्क। बाइनरी के क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो ही वैल्यू से मतलब होता है और किसी भी वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। वो कौन कौन सी होती है, 0 और 1। उसने 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। या जिस भी ऑप्शन में आपको हैश या क्वेश्चन मार्क दिख जाए आप उस ऑप्शन को देखना ही नहीं। फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करना बता रहा हूँ, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एज्यूमिंग क्वेश्चन दिया है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड पे 1 लिखता हूँ, 2 4 8 16 32 64, और मैं 64 का दुगना करूँगा तो वो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे लिए सफिशेंट है कि मैं इसको 64 तक लिखता हूँ। इसके बाद मैं देखूँगा कि किस किस वैल्यू को मैं ऐड करूँ कि मेरा 81 आ जाए। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं 64 ही हो, कोई सी भी वैल्यू। आप इमेजिन करिए कि किस किस वैल्यू को ऐड करने के बाद 81 आ रहा है। तो हम चेक करते हैं, जैसे कि 64 8 72 4 76 2 78 79, इससे आंसर नहीं निकला। कुछ और देखते हैं, 64 और 32 अगर हम चेक करते हैं तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 64 और 16 देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 70 और 80, बिल्कुल ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 64 16 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 81, और मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ 81। तो आपको क्या करना है कि जिस जिस वैल्यू को मैंने यूज़ करा है उसके ऊपर मैं लिखूँगा 1, और जिस जिस वैल्यू को मैंने यूज़ नहीं करा है उसको लिखूंगा मैं 0। लेकिन इस क्वेश्चन में 0 को डॉलर लिखना है और 1 को एट द रेट लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 0 को डॉलर लिखना है और 1 को एट द रेट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एट द रेट लिखूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लिखना था, मैंने यहाँ पे एट द रेट लिखा क्योंकि मुझे यहाँ भी 1 लिखना था, मैंने यहाँ पे एट द रेट लिखा है। और इसके अलावा जहाँ भी जो भी संख्या है मैं वहाँ पे डॉलर लिखूँगा, डॉलर 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 और डॉलर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा बाइनरी ख़त्म होता है। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे बाइनरी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके